क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया है हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार था, तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भूमि का प्रकार था। तो भूमि का वर्गीकरण हम देख लेते हैं, प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही भूमि का वर्गीकरण मिलता है। क्षेत्र भूमि जो था उसे हम खेती योग्य बोलते थे, वस्तु भूमि को हम मकान योग्य भूमि बोलते थे, अगोचर भूमि को जो चारगाह योग्य भूमि बोलते थे। गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों का उल्लेख जो है मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। हेनसोंग ने इस विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है, हेनसोंग ने स्वयं 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रतिहारों का जो है त्रिकोणीय संघर्ष में जो विजय हुई थी, और ये क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चालुक्यों ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। फाइव क्वेश्चन आपका दिया है, पुलकेसी सेकंड किसके समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेनसांग के समकालीन पुलकेसी सेकंड थे, और दक्षिण में वातापी का प्रसिद्ध शासक पुलकेसी तृतीय शासन कर रहा था। उसके एहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्वेश्चन सिक्स आपका दिया है, मम्मलपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पल्लव शैली से जो है संबंधित हैं। क्वेश्चन सेवन आपका दिया है, हॉर्स के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आपका ई आंसर आपका राइट हो जाएगा, हॉर्स ने चीन के साथ राजदूतों को विनियमन किया। क्वेश्चन एट आपका दिया है, हर्ष को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुलकेसी सेकंड ने हर्ष को पराजित किया था। हर्ष के ग्रंथ जो हैं, हर्ष को स्वयं 3 नाटकों को लिखने का श्रेय प्राप्त है। पहला उनका है प्रियदर्शी, यह 4 अंकों का नाटक है जिसमें जो है वशराज उदयन की अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। दूसरा रत्नावली है, इसमें 4 अंक है, यह नाटक वशराज उदयन तथा उसकी रानी वासदंता की परिचारिका नागरिक का प्रणय कथा का वर्णन है। और तीसरा नागादंत है, यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना, इसमें 8 अंक हैं। क्वेश्चन 9 आपका दिया है, मिहिर कुल कौन था, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हूण था। मिहिर कुल यह तोरण मार का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के शासक यशोधर्मन को भी जाता है। क्वेश्चन 10 आपका दिया है, बाण भट्ट किसके दरबारी थे, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के जो है दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से जो 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में स्थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई की हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसकी कैद से आजाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के ममेरी भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के पर्वतों में भाग गई है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब तक ढूंढ निकाला जब वह क्षति होने जा रही थी। राजश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कनौज लौटे और उन्होंने अपनी राजधानी स्थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित कर दी। हर्ष ने केवल शशांक से बदला ही नहीं लिया अर्पित अपनी शक्ति का प्रचार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में भी किया। हेनसोंग के अनुसार उसने उत्तरी भारत के 5 देशों को अपने अधीन कर लिया। ये 5 देश प्रदेश के जो है पंजाब, कनौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा थे। बाणभट्ट ने इसमें सिंध, हिम प्रदेश और नेपाल को भी सम्मिलित किया है। हर्ष ने वल्लवी के शासक ध्रुवसेन तृतीय से अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। तो 10 में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।